Never show fear. क्या है अड़ियो? कई बार इंसानों का शौक उनके लिए जिंदगी भर के सदमे का रूप ले लेता है, जिसे वो चाहकर भी कभी नहीं भुला सकते। ऐसा ही एक शौक है वाइल्ड लाइफ को करीब से देखने का। कई बार वाइल्ड लाइफ को नजदीक से देखने के चक्कर में उनका अचानक से हो जाता है जंगली जानवरों से खतरनाक एनकाउंटर। इस शानदार वीडियो में हम आपके लिए ऐसे ही एनकाउंटर की क्लिप्स चुन चुन कर लाए हैं, जिसे देखकर आप कह देंगे कि जंगली जानवरों से दूर ही रहने में भलाई है। तो आइए देखते हैं कैमरे में कैद एनिमल एनकाउंटर सीरीज का पार्ट 12। ये वीडियो शुरू करने से पहले नए व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही शानदार, जानदार और जबरदस्त वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जंगल सफारी पर निकले इन सैलानियों का जब इस गुस्साए हाथी से सामना हुआ, तो गजराज को बेकाबू होते समय नहीं लगा। यहाँ ये गुस्साया हाथी इन लोगों को अपना शिकार बना लेना चाहता है। मामला तब और खतरनाक हो गया जब दौड़ रहे इन लोगों में से एक आदमी गिर गया। यह हाथी अपने पिछले पैरों से उस पर हमला करने लगा। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मंजर देखकर किसी की भी चीखें निकल जाए। अपने इलाकों में इंसानों को देखते ही गुस्सैल हाथी उनकी तरफ दौड़ने लगा। वो इस सफारी गाड़ी को तबाह कर ही देता, लेकिन इस समझदार गाइड की समझदारी गजराज के गुस्से पर भारी पड़ गई, जिसके बाद हाथी को उल्टे पांव लौटना पड़ा। आइनो भड़क गया और इस गाड़ी का पीछा करने लगा। घबराए ड्राइवर ने गाड़ी को रिवर्स भगाकर जैसे तैसे राइनो से पीछा छुड़ाया। लुफुपा लॉज से काफू नेशनल पार्क में अचानक इन सैलानियों का जंगली हाथी से एनकाउंटर हो गया, जिसके बाद गजराज सैलानियों की गाड़ी पर टूट पड़ा। ये मंजर देख किसी की भी रूह कांप जाए। यहां इस घर में घुस रहे इस अजीब जानवर का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। इसी तरह इस नाव में बंदर जैसा दिखने वाला यह अजीबोगरीब जानवर चढ़ गया, जिसे देखकर नाव में सवार मछुआरों की किक्की बंद गई। इन मछुआरों ने ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा था। बोटिंग का मजा ले रहे ऑस्ट्रेलियन शख्स का पानी में तैरते एक जहरीले सांप से एनकाउंटर हो गया, जो इसकी बोट से बिल्कुल करीब आकर वापस लौट गया। पोलर बियर के बाद ग्रिजली सबसे खतरनाक भालू होता है। इनसे दूरी बनाए रखने में ही भलाई है, लेकिन तब क्या हो जब ये खुद चलकर आपके सामने आ जाए। Jesus Christ. साउथ अफ्रीका में जंगल घूमने आए सैलानियों की गाड़ी पर इस हाथी ने अचानक हमला बोल दिया। चिंगारते हाथी के हमले से गाड़ी में सवार लोगों की हालत ही खराब हो गई। जंगल के राजा शेर से एनकाउंटर के बारे में सोचकर ही सांसें फूलने लगती है, लेकिन गाड़ी में बैठे लोगों को आप कितने नंबर देंगे जिन्होंने इतने करीब से शेर का सामना किया हो। Арсен, вот надо фотографировать.
ये टाइगर जंगल के बीचों बीच खड़ी इस गाड़ी पर चढ़ गया और टूरिस्ट का जूता ही काटने लगा। जरा सोचिए इस टूरिस्ट की क्या हालत हो रही होगी, ये सोचने भर से रूह कांप रही होगी। जंगली जानवरों की फोटोग्राफी करते वक्त दूरी रखना कितना जरूरी होता है, ये वीडियो क्लिप इसी बात की तस्दीक करती है। एक अमेरिकन फैमिली का जंगली बंदरों से एनकाउंटर हो गया। ये बंदर उनकी गाड़ी की बोनट पर बैठकर तोड़ फोड़ करने लगे। इन पर्यटकों की हालत तो शेर के पास से गुजरते देखकर ही खस्ता हो गई। हाथी पर चढ़कर जंगल सफारी का आनंद ले रहे पर्यटकों की हालत तब खराब हो गई जब एक भूखा टाइगर अचानक उनकी तरफ हमला करने को दौड़ा। झाड़ियों में छिपे बाघ को देखकर एक्साइटमेंट में ये टूरिस्ट उसकी फोटो खींचने लगी, लेकिन उसकी इस हरकत से नाराज बाघ ने जो किया वो कैमरे में कैद हो गया। अपने इलाकों में इंसानों का झुंड देखकर ये शेर उनकी सफारी वैन पर ही उनके बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। इन टूरिस्ट ने ऐसी खतरनाक कंपनी के लिए तो कभी प्रेयर नहीं की होगी। अंडर वाटर क्रोकोडाइल से यह एनकाउंटर देखकर यकीनन आपका भी कलेजा मुंह को आ जाएगा। यूपी के एक कस्बे में नहर से रिहायशी इलाके में घुसते इस मगरमच्छ को देखकर दहशत छा गई। जंगल में गाइड को देख ही हाथी उस पर नाराज होकर हमला करने दौड़ता है, लेकिन एक वेल ट्रेंड गाइड के नॉलेज ने नाराज हाथी को ज्यादा समय तक टिकने नहीं दिया। बाघ से सामना होने पर उसे चिढ़ाना कितना खतरनाक हो सकता है इस वीडियो से समझ लीजिए। सफारी के दौरान एक टाइगर अचानक कूदकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर चढ़ गया। डर के मारे टूरिस्ट की तो चीखें ही निकल गई। जंगल में इन विजिटर्स का जब अचानक हाथियों के इस झुंड से सामना हुआ तो हाथियों का रिएक्शन कुछ इस तरह था। कार में शेर का वीडियो शूट करते ये सैलानी तब बुरी तरह से डर जाते हैं जब ये शेर इनकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। इसी तरह यहाँ भी जंगल का राजा सैलानियों की इन गाड़ी के पीछे तब तक भागता रहा जब तक वो गाड़ी उसके इलाके से बाहर नहीं चली गई। After having them successfully... इसी तरह यहाँ ये दो राइनो सैलानियों की गाड़ी पर अपना गुस्सा निकालने दौड़ रहे हैं। खौफ का आलम क्या होता है अब खुद ही देख लीजिए। यहाँ तो दो तेंदुए सफारी गाड़ी के ऊपर आराम फरमा रहे हैं। मामला तब और गंभीर हो गया जब एक तेंदुआ टूरिस्ट की टोपी पर पंजा रखकर बैठ गया। ये वाकया देखकर ही आपकी धड़कनें तेज हो रही होंगी, लेकिन उस सैलानी को कैसा महसूस हुआ होगा जिसके साथ ये एनकाउंटर हुआ है। टाइगर आपकी जीप के करीब आ जाए तो कंपकंपी छूटना लाजमी है। यहाँ भी इन टूरिस्ट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। टाइगर को गाड़ी के पास देख उनकी कंपकंपी छूट गई, चिल्लाने लगे कि जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाओ। लेकिन यहाँ तो नजारा बिल्कुल अलग ही है। शेरनी से इतना क्लोज एनकाउंटर होने पर भी इस गाइड की हिम्मत तो देखिए कि इसके चेहरे पर हंसी है। हम और आप होते तो डर के मारे बेहोश हो जाते। जंगल में हाईवे पर टाइगर को देखकर लोग वहीं ठिठक कर रुक गए, लेकिन टाइगर के वहां मौजूद होने की बात से अनजान बाइक पर सवार ये कपल बिल्कुल बाघ के करीब से गुजर गया।
ये मंजर देखने वालों की थोड़ी देर के लिए तो सांसें ही फूल गई। पागल है भाई कभी। बिहार के छपरा में यह हाथी अचानक बेकाबू हो गया। उसके रास्ते में जो भी आया वो उसे खिलौनों की तरह इधर उधर फेंकने लगा। देखिए गजराज के गुस्से का आलम। भालू से एनकाउंटर के बाद कुछ लोग उसे परेशान करने लगे, जिसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस गांव में एक गुस्साया हाथी घुसाया, फिर उसने जो तांडव मचाना शुरू किया उससे गांव में चारों तरफ दहशत का माहौल बन गया। लोग डर के मारे छतों पर चढ़कर बैठ गए। बोटिंग का एंजॉय कर रहे शख्स का अचानक से एक खतरनाक शार्क से ऐसा एनकाउंटर हुआ कि बंदे की हालत ही खराब हो गई। नॉर्थम्बरलैंड तट के पास सी लाइन से इस एनकाउंटर को बेन वर्विले कभी नहीं भुला पाएंगे। सांप के पीछे दौड़ना आपके पछतावे का कारण बन सकता है। कुछ ऐसा ही होता है जब गैंडे जैसे ताकतवर जंगली जानवर अचानक से आपके सामने आ जाए। ऐसी लिजाड़ से पंगा मत लेना, बाकी भले ही किसी से भी ले लेना। गजराज ने इस ऑटो को ऐसे गिरा दिया जैसे कोई खिलौना हो। भालू कार में घुसा था, इस बंदे ने उसे कुछ यूं बाहर निकलवाया। गजराज का गुस्सा, तौबा तौबा। क्या कभी आपके पीछे भी ऐसे कुत्ते पड़े हैं? कमेंट करके बताइए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं आपसे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।